डिलिमिटेशन की फाइनल रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आ गई है, जिसके बाद से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ये असेंबली इलेक्शंस का बिगुल जो है जम्मू कश्मीर में बजेगा। और सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं, क्योंकि भाजपा की अगर बात करें तो 50+ का जो नारा है वो इस बार दे रही है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है महिला नेता और आम आदमी पार्टी की लीडर रीना चौधरी जी, इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि जैसे कि कल डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई है तो इन लोगों को क्या कुछ उम्मीदें थी इनसे बात करते हैं। रीना जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रीना जी। जैसे कि कल पब्लिक डोमेन में डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आप लोगों की थी उससे? हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, बिकॉज इलेक्शन कमीशन इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, तो वो एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल डिसीजन लेंगे। बट जो रिपोर्ट आई है दैट इज़ टोटली पार्शियल, वो किसी एक पार्टी विशेष के फेवर में की गई है। प्लस ये वही रिपोर्ट है जो सेम इन्होंने पहले भी निकाली थी, बट इसके बाद ऑब्जेक्शंस ली गई थी। बकायदा प्रोग्राम रखे गए थे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में अलग और कश्मीर में अलग, जहाँ पे लोगों ने अपनी प्रॉब्लम सुनाई थी, ऑब्जेक्शंस वर्बली भी बताई, रिटन भी दी थी, बट उन किसी भी ऑब्जेक्शंस को कंसीडर नहीं किया गया। मैं अपनी बात करूं तो मैं दिल्ली में जाकर मिस्टर के एन भार, जो कि सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन में, डिलिमिटेशन कमीशन के, उनको भी मैं मिली हूं, उनको भी मैंने पूरा मुद्दा समझाया है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और इन लोगों ने, कुछ लीडर्स ने जो जोड़ तोड़ की है वो पूरे फैक्ट्स उनको बताए गए। उन्होंने कहा वील ट्राई टू मेक द चेंजेस। उसके बाद यहाँ जम्मू में भी प्रोग्राम हुए जिसमें भी मैं प्रेजेंट हुई हूँ, और वहाँ पे भी मैंने एलैबोरेट करके बताया है कि मैं बिकॉज सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ, तो मैंने मेन अपनी असेंबली की ही बात की थी कि जैसे उसमें घुड़ा सलातिया जैसा एरिया जो कि विजयपुर का पार्ट है उसको जबरन मिलाया गया, फिर द्यानी कटली जैसी पंचायतें जो हाईवे में फॉल करती हैं उसको जबरन रामगढ़ में मिलाया गया। तो इस तरह की जो जोड़ तोड़ थी, लोगों का जो हकों का हनन किया गया है, इस बारे में हमने क्लियरली बताया। मैंने नहीं, मेरे जैसे कई और नेता अलग अलग पार्टियों से आए थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, जिन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने पूरा डिटेल में बताया कि ये दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बट डिलिमिटेशन कमीशन ने शायद आंखें मूंद ली थी, कान बंद कर लिए थे, उन्होंने इसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया। उन्होंने ज्यों की त्यों रिपोर्ट, जो लास्ट रिपोर्ट आई थी, उसको वैसे ही रिप्रेजेंट कर लिया। तो मुझे लग रहा है ये जो ड्रामा किया गया, चाहे वो डिलिमिटेशन कमीशन की बात करूं, चाहे मौजूदा पार्टियां जो ये करवा रही हैं, ये सिर्फ ड्रामा था। अगर नहीं कुछ करना था तो ना तो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते, ना ये पब्लिकली अनाउंस करते कि डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू और कश्मीर में आ रहा है और लोगों की प्रॉब्लम सुन रहा है। तो हमने सुनाना नहीं था, उस सुनाने का कोई फायदा नहीं अगर उन्होंने उस पर अमल नहीं करना था। आपने वर्ड यूज किया पार्शियल, आपको क्यों लग रहा है कि पार्शियलिटी हुई? ये पार्शियलिटी हमने पहले भी जब ऑब्जेक्शंस फाइल की हैं, इसमें जो जोड़ तोड़ की गई है कुछ लीडर्स के फेवर में की गई है। जो लोग ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लीडर तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी रेशो बनाने के लिए द्यानी कटली जैसी पंचायतें जो कि हाईवे पे फॉल करती हैं, जो एक्चुअली सांबा में होनी चाहिए थी, उनको रामगढ़ में मिला लिया कि मेरा वोट बैंक बनेगा। प्लस क्योंकि रामगढ़ रिजर्व नहीं हो रही तो ऐसी रेशो बढ़ाने के लिए जबरन उनको मिला लिया। फिर गुड़ा सलाथिया की बात करूं, जो कि विजयपुर का पार्ट है, वहां तहसील विजयपुर है, ब्लॉक विजयपुर है, लेकिन अब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि बीच में से एक फ्लाईओवर लगा के सांबा में जाके जुड़ेंगे, तो इस तरह की जो जोड़ तोड़ है ये भी किसी एक पर्टिकुलर लीडर के फेवर में हुआ, क्योंकि मैं वो लोग सांबा से तैयारी कर रहे हैं तो अब वो सोच रहे हैं मेरा गुड़ा सलाथिया का पेट वोट रहा है तो ये वहां पर रहेगा तो मेरे को यहां से वोट बैंक मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी ऐसे लीडर्स को, ऐसी पार्टी को। प्लस एक चीज और बताना चाहूंगी, जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो कमेटी है उसमें भी जो रूलिंग पार्टी भाजपा है उनके MPs मेंबर हैं, तो वो लोग अपने ही फेवर की उन्होंने जो जोड़ तोड़ करनी थी वो की। तो ये इसी जोड़ तोड़ का आज नतीजा है कि आज लोगों के हकों का हनन हो रहा है। 25-26 साल से ज़्यादा हो गया हम जम्मू कश्मीर के लोग थे, उनको लगता था कि पहले जो डिलिमिटेशन हो रखी थी शायद जो सीटें ओपन थी वो रिजर्व होंगी, जो रिजर्व थी वो ओपन होंगी, लेकिन आज 25-26 सालों के बाद भी फिर से एक बड़ा धोखा, एक बड़ा झटका जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया गया। फिर से जो रिजर्व थे कई लोग आज दोबारा से रिजर्व कर दिए गए। अगर ये कानूनन बनता तो लोगों को शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये जो जोड़ तोड़ की गई, ये जो साजिश की गई, ये लोगों के हकों का हनन है, लोग इससे काफ़ी नाराज़ हैं। हाँ, लोग अब कुछ
जंग तो नहीं कर सकते, लड़ तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका बहुत प्रभाव आपको आने वाली इलेक्शन में मिलेगा। लोग नाराज़ हैं, लोग जिन नेताओं ने ये चाल चली है उनको वोट की मार ज़रूर देंगे। अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा हैवी ज्वाइनिंग्स हो रही है, वहीं पे भाजपा में भी बहुत ज़्यादा ज्वाइनिंग हो रही है। और अगर ज्वाइनिंग की बात करें तो भाजपा वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि जो लोग भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो भाजपा से निकल के आम आदमी पार्टी में गया हो। क्या कहेंगे आप इस पे? देखो, भाजपा को आज वैसे जुमलेबाजी वाली पार्टी कहा जाता है, वो लोग झूठ बोलते हैं, साफ झूठ। अगर मैं आज की बात करूँ तो आज हमारी पार्टी में भाजपा के बहुत ही कर्मठ लोग ज्वाइन हुए हैं, जिनमें से एक जो हैं मनदीप चौधरी, जो कि किसान मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, प्लस किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं स्टेट के। तो और दूसरे एक और हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, कुलदीप वर्मा जी, वो भी अखिल भारतीय जन कल्याण योजना के प्रेसिडेंट हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने अगर ज्वाइन किया है जिनको डेजिग्नेशन दिए गए, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। इस तरह कई लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो अब ये बोलें कि हमारी पार्टी के ही नहीं हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पे है, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है आप उनकी प्रोफाइल सोशल मीडिया पे खोल कर देख सकते हैं कि वो लोग किस पार्टी के साथ आज तक चलते आ रहे थे। लेकिन अब उन लोगों ने जो आम आदमी की नीतियाँ देखी, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने एक और बात कही थी कि दूसरी तरफ बीजेपी में भी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, तो बीजेपी में जो ज्वाइनिंग्स हो रही हैं और जो लोग बंधे पड़े हैं वो किसी मजबूरी में हैं। हमने देखा बड़े बड़े नेता भी यहाँ ज्वाइन तो किए लेकिन मजबूरियों में आए, ब्लैकमेलिंग चल रही है, थ्रेटनिंग चल रही है, ये अब जोर ज़बरदस्ती से भी पार्टीज ज्वाइन करवाते हैं, ब्लैकमेलिंग से भी करवाते हैं। तो लोग अपनी मर्जी से नहीं जाते, मजबूर करके, क्योंकि उनको पता है रूलिंग पार्टी है तो हमें किसी तरह से सता सकती है। बिजनेसमैन भी डरता है कि हमारा बिजनेस करने में प्रॉब्लम, हम भी लोगों से मिलते हैं तो कई लोग ये बोलते हैं कि हम ओपनली आते हुए भी हमें डर लगता है क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है और जिस तरह की वो गुंडागर्दी मचा रही है, जिस तरह की वो तानाशाही मचा रही है, तो लोगों में डर है। फिर भी लोग बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, क्योंकि अब ये उनको पता है ये क्रांति का समय है, ये बदलाव का समय है। अगर इस समय हिम्मत नहीं की गई तो कभी भी नहीं की जाएगी। बात करें हम आम आदमी पार्टी की, तो नारा था कि बिजली पानी फ्री रहेगा, लेकिन अब हम देखेंगे पंजाब में ये कह दिया है कि जो सिर्फ बीपीएल्स है उन्हीं को फ्री मिलेगा। तो बहुत ही कम आई थिंक तबके के लोग होंगे जो बीपीएल में फॉल करते हैं, जो बाकी जो लोग हैं फिर वो कहाँ पे जाएंगे? देखो, ये बात अगर हम करते हैं बीपीएल वो लोग हैं जो लोग अफोर्ड नहीं करते। एक तरफ तो ये कई लोग इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि आप लोगों को मुफ्तखोर बना रहे हैं। तो अगर बीपीएल वो लोग हैं जो लोग हमारी बेसिक एमिनिटीज नेसेसिटीज़ अफोर्ड नहीं करते, तो वो लोग अफोर्ड नहीं करते, इसीलिए सरकार उनको एक मदद देना चाहती है। इसी तरह मैं दूसरी सरकारों को भी एक कहना चाहूंगी, बट ऐसे लोग भी हैं जिनके पास राशन कार्ड है, वो भी लाइक बड़े नॉमिनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो भी अफोर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर किसी का बीपीएल नहीं बनता। नहीं, अगर आप सर्वे करवाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीपीएल हैं, कई जगह बहुत कुछ है, इसमें भी मैं कुछ ही पे टारगेट नहीं करूँगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो एक्चुअल डिजर्विंग बीपीएल है उनको मिलना चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी लैविश लाइफ जी रहे हैं, जो लग्जरीज में जी रहे हैं, जिनके लिए 200-300 यूनिट कोई मायने नहीं रखता, तो उन लोगों को इसकी कम ज़रूरत है। जो लोग दिहाड़ी लगाते हैं 200-400-500 रुपए, और जिनको आप डेली वेजेस हैं वो बात करें, जिनको सरकार ने एक जुमला देकर 6-7 हज़ार से 9 हज़ार रुपये पहुँचा दिए, वो भी बीपीएल में फॉल करते हैं। क्योंकि अगर हम मानते हैं किसी भी फैमिली को चलाने में आज की डेट में जो महंगाई जा रही है, जो लोगों का सर्वाइवल है बहुत मुश्किल हो चुका है, तो ये एक मदद है उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं करते। बिकॉज बिजली और पानी एक बेसिक नेसेसिटी है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान पहले था, आज बिजली और पानी भी उसमें इंक्लूडेड है। तो ये नेसेसिटीज उन लोगों को जरूर मिलनी चाहिए जो कि सक्षम नहीं है, जो कि गरीब हैं, जो दबे हुए हैं, तो उनको ये सरकार की तरफ से एक रियायत देनी चाहिए, तो जो कि मुझे लगता है सही है। और जो लोग ऑलरेडी अमीर हैं वो लोग, जैसे कि हम सोशल मीडिया में भी कहते हैं मुफ्तखोर नहीं बनाना, तो मैं इसलिए कहूंगी कि वो बहुत सक्षम हैं, वो आत्मनिर्भर हैं, उल्टा उन लोगों को बढ़ चढ़ कर जो लोग गरीब हैं दबे हुए हैं उनकी मदद करनी चाहिए। रूल समझ नहीं है जो उन्होंने कहा है कि 200 यूनिट तक फ्री मिलेगी,
लेकिन उससे अगर एक यूनिट भी ऊपर जाएगा तो आपको पिछले यूनिट्स के भी सबके पैसे देने पड़ेंगे। ये इसलिए है क्योंकि 200 अगर कोई गरीब जिसमें एक पंखा एक एसी सॉरी एक पंखा एक फ्रिज और बेसिक एक दो बल्ब जलना है तो उसके लिए 150-200 यूनिट इज़ मोर देन इनफ। 200 यूनिट से ऊपर जाता है दैट मीन्स यू आर इन्जॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ लग्जरीज। आपके घर में एसी होगा, आप कोई और मोटर या और अप्लाइंसिस यूज़ करते होंगे ताकि आपकी यूसेज ज़्यादा हुई, तो वो इसीलिए तो वो पैरामीटर एक रखा गया है मापदंड के लिए। जो लोग सच में गरीब हैं उन लोगों के पास एसीज नहीं है, उनकी 200 यूनिट भी बच जाएंगी, ये मैं आपको ओपनली बताती हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। तो बट जो लग्जरीज जी रहे हैं तो फिर दे मे नॉट बी द बीपीएल एक्चुअली, तो फिर इसीलिए ये उनको शायद नहीं देना चाहिए था। लास्ट मेरा सवाल रहेगा कि जो पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान जी, जब वो पावर में नहीं थे तो उनकी ना एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब भी कोई सीएम बनता है या सत्ता में बैठता है पावर में आता है तो वो बोलने शुरू हो जाते हैं खजाना खाली है खजाना खाली है, और जब वो खुद पावर में आए तो वो 3 महीने के बीच में ही प्रधानमंत्री के पास जो है फंड्स लेने चले गए, क्या कहेंगे? देखो इस भारत की ये सच्चाई है कि आज भारत में लगभग सभी स्टेट्स में खजाना खाली है। जब वो सत्ता में नहीं थे उन्होंने कहा होगा क्योंकि हर जगह यही सुनने को मिलना था, आज वो पावर में आए। मेरे पास एक रिपोर्ट भी मैंने मतलब उनको तब रियलिटी पता चल गई कि जो बाकी कहते थे खजाना खाली है तो वाकई ये सच होता था। नहीं खजाना खाली है इसमें मौजूदा सरकारों की गलती होती है, खजाना खाली करने में भी उनका हाथ होता है। अगर ये सरकार अभी सत्ता में आई तो ये लोग अभी आए हैं तो उन्होंने चेक किया कि जो पिछली सरकारें थी उन लोगों ने सरकार को कर्जे में डुबो रखा है। अभी इन्होंने टाइम मांगा है, ये लोग अपनी परफॉर्मेंस से उस खजाना खाली को खजाना भरेंगे। मैंने इन्फॉर्मेशन अपनी डिटेल्स कहीं चेक की थी तो भारत में लगभग सभी स्टेट्स में आज माइनस में चल रही है, कर्जे में नुकसान में चल रही है, इकलौती ऐसी दिल्ली स्टेट है जो प्रॉफिट में चल रही है। तो फिर बाकी स्टेट्स में तो खजाना खाली करने वाली सरकारें हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो इन जो भी रूलिंग पार्टीज हैं ये सारी उनकी गलती है। अब भगवंत मान जी जब पंजाब के सीएम बने हैं तो उन्होंने भी देखा जो पिछली सरकार है उन लोगों ने भी खजाना खाली किया, लूटा, गलत उपयोग किया, और जबकि कोई भी फंड जनरेशन नहीं हुआ, कोई भी प्रॉफिट वाले काम नहीं हुए, कोई भी रेवेन्यू वाले काम नहीं हुए कि सरकार का खजाना खाली ना हो, सरकार अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो भगवंत मान जी ने यह आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द जिस तरह दिल्ली सरकार प्रॉफिट में चल रही है और इसी तरह पंजाब सरकार भी प्रॉफिट में चलेगी। बट अब उन्होंने जब शुरुआत की है तो ऑलरेडी खजाना खाली हो चुका था, तो उनको सरकार अभी किसी ट्रैक पर लाने में थोड़ा समय लगेगा, बट बहुत जल्द वहाँ पर खजाना खाली नहीं खजाना भर जाएगा। अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि अगर असेंबली इलेक्शंस हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी अपने आप को कहाँ पे देखती है? अगर इलेक्शंस होंगे होप सो बहुत जल्द, एंड आम आदमी पार्टी अपने आप को सत्ता में रूल करता हुआ देखती है कि देखना चाहेगी। भाजपा का तो 50+ का नारा है, आपका क्या है? भाजपा का 50+ का नारा है, वो 40 सीटें ऑलरेडी माइनस करके चलते हैं, तो हमारा 9090 का नारा है। हाँ ऑन रिकॉर्ड बोलती हूँ कि हमारा 9090 का नारा है, तो हम सरकार बनाएंगे और सीटें जीतेंगे। आज भाजपा के बड़े बड़े लीडर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारी नीतियों को देखकर, और ये महज एक शुरुआत है। अब देखो ये शुरुआत हो चुकी है, हमने नींव रख दी है, अब इनके और ज़्यादा लोग बहुत जल्द हमारी पार्टी में आने वाले हैं। आज की ज्वाइनिंग से भी कई धुआंधार लीडर्स की ज़मीन खिसक चुकी है क्योंकि ग्राउंड पे जो लोग काम करते थे, जो उनकी बैकबोन थे, वो बैकबोन आज हमने तोड़ दी है। ग्राउंड में जो इंसान काम करता है वो आम आदमी पार्टी में आ रहा है, और बहुत जल्द इसी का रिजल्ट आम आदमी पार्टी बहुत भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ महिला नेता रीना चौधरी जी, जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि आज काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है भाजपा से जो है काफ़ी लोग दिग्गज लोग जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, और आने वाले टाइम में जो है बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी अगर असेंबली इलेक्शंस हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पे सरकार बनाएगी। जनता की क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, स्टेट इनक्लेव के लिए।